टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। नोट करेंगे मीडियन, मीडियन। अब मीडियन में नोट करिएगा कि अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा का मतलब यह है कि ऐसा डेटा जिसको किसी भी तरीके की जिसकी ग्रुपिंग नहीं करी गई है, जैसे वो वाला डेटा जिसमें एक मिनट वेट करिए। अनग्रुप्ड डेटा में वही है कि जहाँ पर हमें कोई फ्रीक्वेंसी या कोई रेंज वगैरह नहीं दे रखी है। जो ग्रुप्ड डेटा होता है, ग्रुप्ड डेटा भी हमारा दो तरह का होता है। एक तो होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब मैं अनग्रुप्ड डेटा की बात करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ डेटा ही दे रखा होगा, डेटा की किसी तरीके की कोई ग्रुपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें अनग्रुप्ड डेटा का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बल्कि एग्जाम्पल लेने से पहले यहाँ पर दो मेथड आप लिखेंगे कि फर्स्ट है इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस स्मॉल एन, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस स्मॉल एन इज ऑड देन मीडियन, मीडियन को बोल देते हैं कैपिटल एम, इज इक्वल टू n प्लस वन अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन। सेकेंड है इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस स्मॉल n इज इवन then median m is equal to n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation upon 2 अपॉन टू। फिर नोट करके लिखें इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस इन बोथ द केसेस फर्स्ट ऑफ ऑल we arrange the data in increasing order, in increasing order। ये ज़्यादा लंबा formula नहीं हो गया? ये ही होता है। तो वो क्या होता है? L plus n upon 2 वो भी है। plus C minus CF upon F into H। बताएंगे तो बताएंगे। ठीक है? तो ये हमारा है अनग्रुप्ड डेटा के केस में। अनग्रुप्ड डेटा वो होता है जहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई टेबल या किसी भी तरीके की कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दे रखी होती, तो ऐसे डेटा को हम बोल देते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा जो मेरे को दे रखा होगा उस डेटा में जो वैल्यूज़ हैं, जो उस डेटा की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को सबसे पहले मैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा है, आप डिक्रीजिंग छोड़िए, आप सिर्फ इंक्रीजिंग का एक फंडा दिमाग में लेकर चलिए कि जो भी डेटा दे रखा होगा उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद हमें यह देखना है कि वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है या ऑड है। ऑड है तो पहले वाला फंडा, इवन है तो दूसरा वाला फंडा, ये लगाकर आप फाइनली इसको कंप्लीट कर देंगे। अब आप ये देखिएगा कि जैसे मैं दो एग्जांपल इसमें देखता हूँ, एक ऐसा जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो और एक ऐसा जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो। तो एग्जाम्पल वन देखिएगा,
फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. डेटा देखिएगा क्या क्या दे रखा है हमको यहाँ पर. कोई नहीं ऐसा ऐसे बनाकर बता दो. फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा जिसमें आप नोट करें 32, 31, 34, 16, 17, 9, 8, 4, 11. ठीक है, तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है, ऑड है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ऐसे आते हैं हमारे में तो टेबल दे रखी थी. सबसे पहला काम आपको क्या करना है जब इसको सॉल्व करेंगे, अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करिए. सबसे छोटा नंबर यहाँ पर दिखाई देता है मेरे को 4, फिर है 8, फिर 9, फिर 11. 4, 8, 9, 11. ये हो गया. ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि अब ये कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इसका मतलब पूरे 9 नंबर यहाँ पर थे, 9 नंबर यहाँ पर थे. मैंने दोबारा से काउंट करके वेरीफाई कर लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इनको अरेंज कर दिया. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हैं, सिंस एन इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट में लिखिए ऑड, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2th, एन प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन. तो n क्या है, 9, 9 plus 1 upon 2th, 10 upon 2 is equal to 5. Observation, 9 plus 1 क्या हो गया 5, sorry 10, 10 upon 2 क्या हो गया 5. तो ये हो गया 5th observation. 5th observation देखिए कौन सी है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5. तो 5th observation ये है. तो 16 हो गया आपका median. बताइए जी, समझ में आ गया? ऐसे फॉर्म तो बहुत टाइम पहले कर देते हो. ठीक है, चलिए जी एक और क्वेश्चन देखते हैं. अरे सर ऐसे वाला मीडियम नहीं आएगा पेपर में. कोई बात नहीं, तुम्हें ही तो लगता है ना ऐसा. एक तो 8th क्लास वाला है. अगला एग्जांपल देखें. Find the median of the following data. Find the median of the following data. 22, 31. ये इधर से 22, 31, 34, 16, 17, 9, 8, 4, 11. इसका आंसर तो सेम ही होगा फिर, और 13. ठीक है, तो अब हमने क्या करा, हमने एक ऑब्जर्वेशन बढ़ा दी. तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सब टोटल हो गई 10. तो फिर से वही काम करना है, अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर.
arrange the data in increasing order. Increasing order में लगाएं 4, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 31, 34. Count करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये हो गया. अब जब इसमें मीडियन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन है, तो n इज इक्वल टू 10, यानी कि इवन. देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू n by 2 है, तो ऑब्जर्वेशन पूरा ऑब्जर्वेशन ना लिखकर ओबीएस लिख दिया बस, प्लस n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2. ठीक है, मीडियन को m बोल देते हैं, कैपिटल m. n by 2 है तो ऑब्जर्वेशन क्या है, n मतलब 10, तो 10 by 2 है ऑब्जर्वेशन प्लस 10 by 2 प्लस 1 है. यहाँ पर याद रखना उसमें था odd वाले में n plus 1 by 2 है ऑब्जर्वेशन, मतलब n plus 1 पहले करना है फिर उसको 2 से डिवाइड करना है. यहाँ पर है n by 2 plus 1 है, यानी कि n by 2 पहले करना है plus 1 बाद में करना है, तो 10 by 2 plus 1 है ऑब्जर्वेशन. तो 10 by 2 कितना हो गया 5, तो 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6 प्लस 6 तो ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 सेम ही आएगा. अरे तुम चुप तो रहा करो ना, तुम्हें पता नहीं क्या है. यहां तक सभी को क्लियर है बताइए. ठीक है, अब 5th ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5, तो 5th ऑब्जर्वेशन तो ये हो गई 13 और 6th ऑब्जर्वेशन क्या हो गई 16, तो ये हो गया 13 प्लस 16 अपॉन 2. तो 13 प्लस 16 कितना होगा 29 अपॉन 2, और 29 अपॉन 2 का आंसर क्या हो गया 14.5. तो ये हमारा मीडियन हो गया. तो ये जो केस था ये हमारा था अनग्रुप्ड डेटा के लिए जहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती. अब मैं आऊँगा ग्रुप्ड डेटा के लिए जहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और फ्रीक्वेंसी हमको दो तरीके से दे रखी होती है, एक तो डिस्क्रीट डेटा और एक होता है कंटिन्यूअस डेटा. तो पहले डिस्क्रीट के लिए देखेंगे फिर कंटिन्यूअस के लिए देखेंगे. दोनों डेटा भी तो अलग अलग है ना भाई. यहाँ पर एक एक्स वैल्यू आ रही है 16, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, उधर जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 9 है, तो दोनों अलग अलग तो होंगी. तो नहीं हुआ ना बेटा, 14.5 हो गया, एक ही तो आया मीडियन 14.5 बस. और ये एक ध्यान देने वाली चीज होती है कि जो ऑड जहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं वहाँ पर तो मीडियन उसी डेटा में से कोई एक नंबर होगा भाई, इसी डेटा में से तो एक नंबर है 16. लेकिन यहाँ पर जो मीडियन है वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें लाई करे. आप देखो 14.5 नंबर इसमें है ही नहीं, इस डेटा में है ही नहीं. तो इसको ये ध्यान रखना होता है कि इवन वाले में जो आपका मीडियन आता है वो ज़रूरी नहीं है कि इसमें से कोई नंबर हो, उसके आसपास का कोई नंबर हो सकता है. चलो जी, इसके बाद आप नोट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. ग्रुप्ड डेटा यहाँ लिखेंगे, ग्रुप्ड डेटा क्वेश्चन नोट करें. फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. Which gives the marks out of 50.
marks out of 50 obtained by 100 students in a test. Obtained by 100 students in a test. Obtained by 100 students in a test. तो यहाँ पर जो आपको डेटा दे रखा है वो देखिएगा क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दे रखा है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड और इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में हमको डेटा दे रखा है 20, 29, 28, 33। ये मिटा दो इधर से। Number of students है 628, 24। सर पेन नंबर क्या है? 277। 628, 24, 15241। ये है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले, क्योंकि ये ग्रुप्ड डेटा है, तो ग्रुप्ड डेटा में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, डिस्क्रीट डेटा वो होता है जहाँ पर कोई रेंज नहीं दे रखी होती। जैसे यहाँ पर ये बता रखा है कि 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो 6 बच्चों के। 29 कितने बच्चों के आए, 28 बच्चों के आउट ऑफ 50। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 100 है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब आप यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और टेबल में ये याद रहे कि जो ये डिस्क्रीट डेटा होता है इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे मार्क्स, तो सबसे कम मार्क्स कितने हैं 20, फिर हैं 20 के बाद कितने हैं 25, 20 मार्क्स लिखो यहाँ पर। यहाँ लिखिएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम FI बोल देते हैं। हाँ जी, 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, 20 हो गया तो टिक लगा दो, फिर उसके बाद 25 है, तो 25 की फ्रीक्वेंसी है 20। 25 के बाद में अगला नंबर है 28 का, तो 28 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 24। उसके बाद अगला नंबर है 29 का, तो 29 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 28। ठीक है, 29 के बाद अगला नंबर है 33 का कितना है 15। उसके बाद 33 के बाद आएगा आपका 38 की कितनी है 4। ठीक है, 1 मिनट, Thank you.
38 का कितना है 4, फिर 42 का 2 और 43 का 1, अब इसमें आपको क्या करना होगा यहां तक हम पहुंच गए, ये जो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी है यहां पर आप लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको सीएफ बोल देते हैं, सिक्स लिख के सब में ऐड कर देंगे नंबर। हां जी, अब आपको क्या करना है कि ये सारे नंबर आप ऐड करते जाएंगे, तो सबसे पहले आप करेंगे 6, सबसे पहले 6 को एज इट इज लिखेंगे, 6 6 + 20 कितना हो गया 26, वैसे सीधा लिखना है पर इधर बोर्ड में जगह थोड़ी कम बच रही है तो मैं थोड़ा ऊपर करके लिख रहा हूं, फिर 26 + 24 जितनी भी हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो आखिरी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर आ गई। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं 100, तो इसका मतलब ये ठीक है, इन सबको सबको भी ऐड करके देखोगे तो 100 ही आएगा। अगला काम क्या करना है हमको, तो मुझे फाइंड आउट करना है कैपिटल एन बाई टू, ठीक है, 100 अपॉन 2 50 आ गया, हियर कैपिटल एन बाई टू इज इक्वल टू 100 अपॉन 2। कैपिटल एन क्या होता है कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम बोल दीजिए, या फिर आप ये बोल दीजिए कि जो आखिरी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या उसको बोल दीजिए, उसको हम क्या बोलेंगे कैपिटल एन। तो कैपिटल एन बाई टू यानी कि 100 बाई टू कितना हो गया 50। फिर क्या करो यहां पर फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू, ग्रेटर देन होता है शॉर्ट में, तो ग्रेटर देन दैट इज ग्रेटर देन 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं तो ये 50 है यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आगे की जितनी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं सब 50 से बड़ी है, लेकिन 50 से जस्ट बड़ी, तो 50 से जस्ट बड़ी क्या है 78। कौन से नंबर पर है ये 1 2 3 4, तो चौथे नंबर का जो मार्क्स है वही हमारा मीडियन है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कि मार्क्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सीएफ जस्ट ग्रेटर देन, मार्क्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू इज मीडियन। तो हियर मीडियन इज इक्वल टू क्या है 29। बताइए बेटा सभी को क्लियर? यार मैं इतनी मेहनत कराया स्कूल में, छोड़ो ना, मैंने फॉर्मूला वाला लगा के, अरे नहीं नहीं अभी फॉर्मूले वाला भी बताऊंगा, या इसमें ही लगा दिया था फॉर्मूला, नहीं ऐसा क्वेश्चन तो आए थे कि हमारे पूरे हाई लेवल वाले आए थे, दो दो तीन तीन नंबर से बता देता हूँ, हाई लेवल वाले में कुछ नहीं है, ये समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। मैं दोबारा से देखूंगा कि मीडियन जो है, मीडियन के अभी मैंने तीन मेथड दे दिए, पहला अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा में क्या होता है कि जहाँ पर हमको कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती, डेटा को ऐसे ही फैला कर दे देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं कि ये पकड़ो और इसका मीडियन निकालो, तो सबसे पहला काम क्या है सारे डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। फिर उसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आपकी ऑड है तो एन प्लस वन बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन, बस ये करना है खत्म। अगर इवन है तो एन बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करोगे, एन बाई टू प्लस वन है, यहाँ पर प्लस वन अलग है, एन बाई टू पहले करोगे और प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन, दोनों को फाइंड आउट करोगे, दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करो डिवाइड बाई टू करो, जो वैल्यू आएगी वो मीडियन होगा। तीसरा अभी करवाया था जब तुमने नींद आ रही थी। फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि यहाँ पर मुझे मार्क्स दे रखे होंगे और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, तो जो मार्क्स हैं पहले आप ये देखिए मार्क्स कैसे दे रखे हैं, 20 29, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन फिर दोबारा 28 आ गया, फिर 33, फिर 42, फिर घटकर 38 आ गया, तो इसको प्रॉपरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, लगा लिया।
लगाने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सारी की सारी आपको यहाँ पर ऐड करते जाना सारी फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, उसके बाद दूसरी क्या होगी 6 प्लस 20 26, 26 प्लस 24 50, 50 प्लस 28 78, ये करेंगे। आखिरी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सारी फ्रीक्वेंसीज के टोटल के बराबर होनी चाहिए, जो यहाँ पर 100 दे रखा है। ज़रूरी नहीं है कि हमको हमेशा दे ही रखा हो, तो हम इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड भी करके एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि कहीं गलती तो नहीं हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, कैपिटल एन क्या हो गया, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 100, कैपिटल एन बाई 2 फाइंड आउट करिए, कैपिटल एन बाई 2 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करिए। वो फाइंड आउट करने पर जिस भी पोजीशन पर आपकी वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फोर्थ पोजीशन पर है, तो फोर्थ पोजीशन वाला ही जो मार्क्स है वो आपका मीडियन हो गया, खत्म। इसके बाद यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है मेरे को कंटिन्यूअस में, लेकिन उसमें बस एक फॉर्मूला आ जाता है और वो फॉर्मूला भी बेहद आसान है। उसमें जो है उसमें आपको बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें उसमें सीएफ ऊपर वाला होता है, बस यही चीज ध्यान रखनी है और कुछ नहीं, बाकी सब मैंने तो सारे क्वेश्चन वैसे तरीके से ही करे हैं मोड वाले, ठीक है। अब मैं ये वाला पोर्शन मिटा दूं, बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। बताओ भाई, अर्णव, अक्षरा, आदित्य, दिव्यांशी, न्यासा, पालकी, प्राजक्ता, ठीक है बिटा रहा हूँ भाई। क्या फायदा होगा अगर 10 मिनट पहले चले जाएंगे, कुछ नहीं कर टाइम पे पहुंचूंगा, रूम 30 बजे लगेगा। मैंने बोला है ना 4:20 पे आ जाऊंगा। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सारा काम बिल्कुल सेम करना है, और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ना एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि यहाँ पर डेटा पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि 10 से 20 दे रखा है फिर सीधा 30 से 40 हो जाए फिर बीच में 20 टू 30 आ जाए, ऐसा नहीं होता, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता है। तो यहाँ मेरे लिए एक काम तो आसान हो गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एक बहुत सस्ता सुंदर और टिकाऊ तरीका है, बता दूंगा अभी, ठीक है। देखिए इसमें हमें क्या करना है कि जैसे एक क्वेश्चन बैठा है नंबर 279 पर है, मेरा भाई अरे ऐसे तो मजाक वाले क्वेश्चन थे, तो इसमें क्वेश्चन नोट करें। यहां पर सीधा टेबल दे रखी है मेरे को, मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यहां लिखिएगा मार्क्स, इसमें एल भी तो फाइंड करना है फिर। अरे तो शांति तो रखोगे, मतलब तो फाइंड किया पहचान नहीं है तुम्हें, लिख लेने तो पहले मेरे को 0 से 10 10 से 20 नहीं है ना 279 बोल 20 से 30 बोल दे 30 से 40 40 से 50 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 80 से 90 और 90 से 100। ये तो हो गए मार्क्स। मार्क्स के बाद इन्होंने दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या
9 7 8. अब इसकी भी CF निकलेगी. यस 5 5 3 8. ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया FI, और फिर यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो CF. तो पहली वाले तो सेम आएगा. अरे चुप रहो. अरे हो गया बात. 5 + 3 कितना हो गया 8. 8 + 4 12. 12 + 3 15. 15 + 3 18. 18 + 4 22. 22 + 7 29. 29 + 9 38. 38 + 7 45. 45 आ जाएगा. 53. चेक कर लीजिए ठीक है कि नहीं. सही है, सही है. इन सबको भी ऐड करेंगे तो भी कैपिटल एन हमारा 53 आ रहा है. कैपिटल एन मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये 53 आ रहा है. इसके बाद हमें क्या करना होता है, वही काम करेंगे. सबसे पहले एन बाई टू फाइंड आउट करना है. तो एन बाई टू फाइंड आउट करिए. एन बाई टू का मतलब 53 अपॉन टू मतलब 26.5. फिर आप क्या करेंगे, सी एफ जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू 29. तो 26.5 से जस्ट बड़ा क्या होगा 29. तो 29 वाली फ्रीक्वेंसी को भी ऐसे अनबॉक्स कर लो, और 29 वाले मार्क्स को भी ऐसे अनबॉक्स कर लो. मिला हो गया. ठीक है, अब क्या करना है आपको 29. फिर ये जो इस तरह से कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें मीडियन निकालने का एक फार्मूला होता है. मीडियन is equal to L plus N upon N by 2 plus CF minus CF upon small f into H. ठीक है, ये लिख लो फॉर्मूला. तो मीडियम में आके देखिए कि याद रखने वाला, तो जरा सा थोड़ा सा अगर आप टफ माने तो बस ये फॉर्मूला है. अब इन फॉर्मूलों की, अब फॉर्मूले में जो अलग अलग टर्म्स हैं उनकी वैल्यू, वेयर L is equal to 16, L is लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है. कैपिटल एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, यानी कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सी एफ एस पर स्टार बना लो. ठीक है, सी एफ में आप लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास. प्रीसीडिंग मीडियन क्लास का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ मुझे 29 ना लेकर उससे प्रीसीडिंग वाली, यानी कि पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है. बस ये ध्यान रखना है. स्मॉल एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास. और एच क्या है, क्लास विड्थ, क्लास विड्थ. क्लास विड्थ क्या हो गई, ये 60 to 70, 50 to 60, 40 to 50, कितनी है ये क्लास विड्थ, 10 10 10 का गैप है ना, तो ये मेरी क्लास विड्थ होगी. ये सारी वैल्यूज है, इसको इसमें डालो, सीधा आंसर निकालो. 95 का आंसर. ठीक है, सही है, पता नहीं. मीडियन एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इन टू एच लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. ये जो मैंने सब कुछ मार्क कर लिया था, तो ये वाली मीडियन क्लास आ गई, इसकी लोअर लिमिट क्या है 60. यहाँ लिखिए 60 प्लस ये जो एन बाई टू है, एन बाई टू कितना आया था 26.5 26.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास कितनी है 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7
इनटू सर एक बार एल समझा दो एल बता रहा हूं और एच कितना है 10 एल हो गया बेटा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हमने क्या करा कि ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज निकाला इसको हम बोल देते हैं कैपिटल एन कैपिटल एन बाय 2 क्या हो गया 53/2 तो 53/2 की वैल्यू क्या आई 26.5 तो n by 2 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n by 2 यानी कि 26.5 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 29 29 के कोरस्पोंडिंगली f को भी मार्क करो और ये जो मार्क्स हैं इनको भी मार्क करो तो यहां पर ये जो 60 टू 70 ये वाली जो क्लास है इस क्लास को हम बोलेंगे मीडियन क्लास और 60 हो गई इसकी लोअर लिमिट और 70 हो गई इसकी अपर लिमिट हमें लोअर लिमिट की जरूरत पड़ती है बस l की तो ये 60 मैंने यहां पर लिख दिया समझ गए ओके सर इसके बाद देखिएगा 26.5 माइनस 22 कितना हो गया कर दिया मैंने 4.5 अपॉन 7 इनटू 10 पॉइंट गया तो नीचे 0 आया एक 0 से 0 कट गया तो 45 अपॉन 7 अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 6 42 45 माइनस 42 कितना हो गया 3 3 0 30 7 4 28 और 7 2 तो 60 प्लस 6.42 तो कितना हो गया 66.42 तो यही आना चाहिए इसका मीडियन चेक कर लो और आंसर नहीं दे रखा है ऐसे कैसे नहीं दे रखा आंसर एग्जांपल नहीं है कोई बात नहीं पढ़ तो लो होगा जरूर आंसर क्यों नहीं दे रखा इसका भी सर गूगल कर लो करो सर फोन दे ना अरे नहीं फोन मेरा ऐसे ही तुम खराब कर दो तो पनौती हो ना फोन दे रखा है भाई आंसर यहां पर पेज नंबर 282 पर देखिए इसका आंसर दे रखा है 66.4 ये रहा हमारा भी वही है 66.4 ना आगे जा हां काफी आगे जा बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है हमने समझ गए ऑनलाइन वाले बताएं भाई क्लियर है Yes, sir. चलिए ठीक है अच्छा अब जो तुम पूछ रहे थे ना कि कई कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जैसे इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट ये दोनों अगर सेम ना हो तो हमें क्या करना होता है उसमें देखिएगा मैं ना इधर करके बता देता हूँ अगर ये सेम मिल जाए हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसकी अपर इसकी लोअर इसकी अपर इसकी लोअर अगर सेम मिल जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो कर लेंगे लेकिन अगर ये सेम ना मिले तो इनको सेम बनाने का एक तरीका होता है जैसे मान लो उनको दे रखा है 10 to 20 20 to 30 इतना सा मान लो कि इतना है तो कायदे से तो ये होना चाहिए लेकिन ये ना देखकर इन्होंने क्या करा इन्होंने ना हमको ऐसे दे दिया 11 से 20 ठीक है फिर 21 से 30 फिर 31 से 40 फिर 41 से 50 ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि 20 और 21 के बीच में कौन सा अगर किसी बच्चे के मार्क्स मान लीजिए 20.5 है तो उसको किस कैटेगरी में डालें ये तो समझ में ही नहीं आ रहा तो ऐसे में क्या करते हैं हम इन दोनों का गैप देख लेते हैं 20 और 21 का गैप कितना है 9 1 अच्छा यहां देखिए प्लस माइनस i / 2 i क्या होता है इंटरवल दोनों में इंटरवल्स में दोनों में गैप कितना है तो 1 का गैप है कि पहले 11 से 20 वाले बच्चे फिर 20 के बाद फिर सीधा 21 आ गया 21 से 30 वाले अपर लिमिट बड़ी है तो अपर लिमिट में कुछ ऐड होता है लोअर लिमिट छोटी है तो लोअर लिमिट में से कुछ सबट्रैक्ट होता है क्या सबट्रैक्ट होता है दोनों में गैप कितना है 1 का तो प्लस माइनस 1/2 यानी कि प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.5 ये है तो इसमें हम क्या करेंगे कि अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट में से 0.5 को सबट्रैक्ट कर देंगे 11 में से 0.5 को सबट्रैक्ट करा तो क्या हो गया 10.5 और 20 में 0.5 को ऐड करा तो 20.5
21 में से 0.5 को सबट्रैक्ट करा तो 20.5, 30 में 0.5 को ऐड करा तो 30.5, 30.5, 40.5, 40.5 और 50.5। बाकी सारी जो आपकी आगे फ्रीक्वेंसी वगैरह, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह, वो सब कुछ सेम रहेगा, बस ये आपने चेंज कर दिया। तो ये चेंज करने से आपका जो ये डेटा था, देखो इस डेटा को पता है, इस वाले डेटा को जिसमें अंतर होता है दोनों में, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव डेटा, और इस वाले डेटा को बोलते हैं इंक्लूसिव डेटा। ठीक है, तो आपने एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में चेंज कर दिया। हालांकि लगभग ना मुझे लगता है 6-7 साल हो चुके हैं, या हो सकता है ज़्यादा हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन आया नहीं है, बोर्ड में कभी पूछा नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए तो आप समझ गए ना, बहुत एक आसान सा तरीका है कि आप इसको पहले इंक्लूसिव में कन्वर्ट करो, उसके आगे का सारा प्रोसीजर सेम है, फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखूं कि अगर हम क्वेश्चंस पे आते हैं सीधा, तो कई बार ये देखा गया है कि डायरेक्ट आपसे ना मीडियन निकालने वाला क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। आपको क्या कर रखा होगा कि एक ही क्वेश्चन होगा और उसमें मीडियन की वैल्यू दे रखी होगी पहले से, और वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें फ्रीक्वेंसी में कोई एक अननोन टर्म होगा, वो आपसे बोलेंगे कि इसका मीडियन ये है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ये है, और आपको अननोन वैल्यू निकालें। अननोन वैल्यू क्या है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 करना चाहिए आप लोगों को, और एग्जाम्पल 8 से पहले एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 बताता हूँ आपको, स्पीकर पे तो करो, कुछ होता ही नहीं है, ऐसे परेशान करने के लिए फोन आता है। सवाल सुनो, न्यूयॉर्क एक शहर है या देश? शहर के लिए एक दबाएं, देश के लिए एक दबाएं। कोई जवाब ना हो तो अपना गला दबाएं। ये बोला इसने ऐसे, तो ये ऐसे फालतू में परेशान करते हैं, और पता नहीं क्यों रोज मेरे पास दो या तीन फोन रोज आते हैं। ऐसे कोई आया होगा ना तो किसी स्टूडेंट ने कह दिया होगा कि नहीं नहीं इनको कॉल कर दिया करो, इनके पास बहुत खाली टाइम है, तो मेरा नंबर दे दिया होगा, तो मेरे पास ही आते रहते हैं फोन, पता नहीं किसी ने पर्दा लिया होगा, आप परेशान कर रहे हो, उसने आपको परेशान करने का नंबर दे दिया। तुम नहीं तो करा होगा, तुम्हें को तो परेशान करता हूँ सबसे ज्यादा। चलिए देखिए, एग्जांपल नंबर 7 में दिया है इन्होंने, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन। तो एग्जांपल 7 में बस डेटा को सही करने का तरीका आपको पता चल जाए, उसके बाद आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कुछ भी। 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150 इस बंद रहेगी टेबल। क्या मजा है, आप लोगों का कल है ना एग्जाम, तो रात में 8 से 9 वाले बैच में मैं मोड भी करवाऊंगा, तो अगर चाहो तो ऑफलाइन आ जाना, नहीं तो ऑनलाइन कर लेना, मोड ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप ये समझ लो 15-20 मिनट में हो जाएगा बस। हाँ, और इसके भी जो ये अननोन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस हैं ये भी करवा दूंगा, हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स पूरा, और कोई डाउट हो तो डाउट बता देना। अक्षत एपी कर लिया? थोड़ा सा रह रहा है, उसको करो, जो डाउट है मेरे से पूछना 8 बजे। ओके सर। हाँ, जैसे यहाँ पर हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, लेस देन 140, लेस देन 145, less than 155, less than 160, or less than 165. Number of girls,
डरा दिया नहीं, मेरे घर पे भी आते हैं, 16 औरतों ने दबा दिया है। एक बार भी आया उसने कुछ आइडिया नाम लिखवा दिया अपने नाम की जगह। ये देखो आजकल कुछ बच्चों की एंट्री होती है, हमारी एंट्री नहीं होती। मैं तो उड़ाता हुआ ले आता हूँ, रोक के देखा है। अजीब सा करेक्टर देखते हुए एंट्री कर देते हैं, डर वो डर जाते होंगे तुम्हारी स्पीड देख। 4:11:29 तो यहाँ पर ना इस डेटा को इस फॉर्म में लेकर आना है। तो लेस देन 140 का मतलब क्या, 140 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली गर्ल्स कितनी है, वो होगी 4। ठीक है, तो यहाँ पर इस डेटा को सही करके ऐसे लिख सकते हो, लेस देन 140 लिख दो, तो ये कितनी गर्ल्स होंगी, 4 होगी। फिर उसके बाद 145 से कम कितनी है, 11, और 140 से कम कितनी है, 4। तो अगर 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 140 से 145 के बीच वाली गर्ल्स आ जाएंगी। 11 माइनस 4 कितना हो गया, 7। ऐसे ही 29 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जिनकी हाइट 145 और 150 के बीच में है वो आ जाएगी। ये क्या कर रहे हो बताओ, कमेंट फ्रीक्वेंसी से निकाल कर समझ में आ गया। ठीक है, हाँ क्लियर है ना, बस ये समझाना चाहता हूँ। तुमने तो कर रखा है मीडियन, मैंने तो पूरा क्वेश्चन ही कर दिया एग्जांपल नंबर 2। हाँ तो बस डेटा इंक्लूसिव है तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको बिल्कुल सेम ये काम करना है। फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी जो शुरुआत वाला है लेस देन 140, शुरुआत में कभी मीडियन लाई करता ही नहीं है, तो आपकी मर्जी चाहे इसको 135 टू 140 लिख दो, चाहे लेस देन 140 लिखा रहे। और सर मोर देन है, मोर देन 140 वाला शुरुआत में मोर देन, अगर मोर देन वाला हो तो आपको शुरुआत नीचे से करनी है, सबसे नीचे वाले को पहले लिखोगे फिर ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इन दोनों का गैप लिखोगे यहाँ पर, ऐसे ही करके देखना। शॉर्ट एग्जाम्पल भी दे रखे हैं यहाँ पर, समझ में आ जाएगा। एक आइडिया मैंने इसका दे दिया है, बाकी शाम वाले बैच में एक बार पूछ लेना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो लास्ट वाली टर्म है ना 51, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसकी। आप अच्छा, सबको सब सबको ऐड कर देना, आपने डायरेक्ट क्या कर दिया ये पता है, सबको ऐड कर देना बेटा, ये सारी फ्रीक्वेंसी आ गई, फिर सबको ऐड करते जाओगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। अपने डाउट्स के साथ आ जाना 8 to 9 ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा मन करे। ओके।